हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन वर्ल्ड चैनल। दोस्तों, आज जानेंगे सेहत के बारे में। सेहत खाने से हमारा शरीर को क्या क्या लाभ मिलती है और कौन कौन बीमारी से छुटकारा मिलती है। इसके अलावा सेहत में ऐसे कौन से तत्व है जिसे खाने से हमारे शरीर में रोग मुक्त और स्वस्थ रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल को नया विजिट करें हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि और किसी को लाभ मिल सके। जैसे कि दोस्तों, मधु या शहद एक मीठा चिपचिपाहट वाला अर्ध तरल पदार्थ होता है। मधुमक्खी के द्वारा पौधों के पुष्प में स्थित मकरंद कोश से स्रावित मधुरस से तैयार किया जाता है और आहार के रूप में मन गृह में संग्रह किया जाता है। शहद में जो मीठापन होते हैं वो मुख्यतः ग्लूकोज और एकल शर्करा क्रोक्टेज के कारण होते हैं। शहद का प्रयोग औषधि रूप में भी होते हैं। शहद में ग्लूकोज और अन्य शर्करा तत्व, विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी होते हैं, जिससे कोई पौष्टिक तत्व मिलता है जो घाव को ठीक करने और उत्तकों को बढ़ाने उपचार में मदद करता है। प्राचीन काल से शहद को एक जीवाणुरोध के रूप में जाना जाता रहा है और पारंपरिक चिकित्साओं पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक में जो वैकल्पिक उपचार के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेहत के लाभ के बारे में। जो सेहत आप ले रहे हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों, इसका इस्तेमाल बच्चे और बड़े भी कर सकते हैं। अगर बच्चे में खांसी की समस्या हो या बड़े में खांसी की समस्या हो, इसको ये ठीक करने के लिए बेहतरीन जो काम देती है। बच्चे में रोज़ 2 ग्राम इसे आप यूज कर सकते हैं दिन भर में। जैसे कि 7 तुलसी के पत्ते में इसे आप मिला के बच्चे को जो दे सकते हैं। बच्चे की उम्र की बात करें, जैसे कि 3 साल से ऊपर बच्चे को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह बड़े में आप दिन भर में 1 चम्मच यानी कि लगभग 10 ग्राम तक इसे आप यूज कर सकते हैं। इसका जो बेहतरीन लाभ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, हृदय को स्वस्थ में इसे रखने के लिए इसका जो बेहतरीन लाभ मिलती है। अगर आपको हृदय की समस्या हो, इसे ठीक करने के लिए इसका जो बेहतरीन लाभ मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसका जो बेहतरीन लाभ होती है। अगर आपका रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम है तो इसे आप दिन भर में 10 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। इसका जो बेहतरीन लाभ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इंडाइजेशन की समस्या में इसे आप यूज कर सकते हैं। वजन घटाने में इसे आप यूज कर सकते हैं। स्किन में जो इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिजीज में ये प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।